असलकम एंड लेट्स गेट राइटिंग हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होता है मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ वट यू वॉच ऑन टेलीविजन वाट यू वॉच ऑन वॉट यू हेयर ऑन रेडियो एंड वट यू रीड इन न्यूज़ पेपर्स इसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं इसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे घरों में अब अवेलेबल है यानी कि मेन स्ट्रीम हो गया हमारी हर ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन हिस्सा बन गया है तो इट इज़ मेन स्ट्रीमड इन आर लाइफ और एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बहुत बड़े 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 हैं जो मीडिया हाउसेस बन गए हैं एक इंडस्ट्री है जो कि पूरी ये तैयार हो गई है तो इसलिए इसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और ये मैस कंजम्पशन के लिए यानी कि बहुत सारे लोग इसको एकदम से कंज्यूम करते हैं या एकदम से देखते हैं इसको तो इसीलिए uh, इसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं और मास मीडिया भी कहते हैं अगर हम इसको एक्चुअल डिफाइन करना शुरू करें तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह है दैट द टर्म इज़ ऑफन यूज फॉर लार्ज न्यूज़ कंगाउल इंक्लूडिंग न्यूज़ पेपर्स एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया दैट अंडरवेंट सक्सेसिव मर्जर्स इन मैनी कंट्रीज तो यानी कि जो आपका टेलीविजन है और रेडियो ये ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाता है और जो अखबार हैं या मैगजीन्स हैं ये आ, पहले छोटे छोटे शुरू हुए मगर फिर एक बड़ी कंपनी बन गई पाकिस्तान में आपके बहुत बड़े जो मीडिया हाउसेज़ हैं उसमें से जियो भी है एआरवाई भी है पीटीवी बहुत बड़ा हमारा आ, सबसे पुराना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और इसी तरह हमने ये देखा है कि ये जो एक बिग मीडिया ओनर्स या मीडिया हाउसेस हैं उनके एक से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टी वी पे जियो मौजूद है और अखबार में इनका द न्यूज़ भी है और जंग भी है और फिर रेडियो पर भी काफ़ी लोग जो हैं उनके चैनल्स होते हैं सो स्लोली एंड स्टेडीली हैव पेनिट्रेटेड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मीडिया टूल यानी कि टी वी पर भी रेडियो पर भी प्रिंट पर भी सो दे आर प्रजेंट एवरीवेयर तो हम इसको मेन uh, स्ट्रीम हो गए हैं ये लोग हर जगह मौजूद हैं घर घर में इनकी खबर जो है वो जाती है इनके जरिए तो अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्री मीडिया की तो फिर हम देखते हैं कि जब हम लिखने जाना चाह रहे हैं वन वी वॉन्ट अ राइट फॉर मेन स्ट्रीम मीडिया इसका क्या मतलब है uh, लिखाई का मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या ताल्लुक एक्चुअली बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि जो कैमरे के इस तरफ खड़े हुए आपसे बात कर रहे हैं या रेडियो के माइक के पीछे बैठे हैं या जो आपको ख़बर लिख के भेज रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं पहले लिखी जाती हैं और फिर उसके बाद प्रेजेंट की जाती हैं वो चाहे टीवी का स्क्रिप्ट हो चाहे वो रेडियो का स्क्रिप्ट हो या जो आपका इसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हों मुख्तलिफ किस्म की जो है इसमें राइटिंग की ज़रूरत होती है जो अगर हम पूरे पूरे जो न्यूज़ आपके चैनल्स होते हैं वो एक टीम्स एम्प्लॉय करती हैं जो कि जिनका काम ही यही होता है कि वो कॉपी राइटिंग करते हैं वो uh, जो सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो लिखते हैं जो कि फिर एक न्यूज़ कास्टर पढ़ता है तो देर इज़ अ लॉट ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व इन मेन स्ट्रीम मीडिया एंड देर लॉट्स ऑफ जॉब्स दैट आर अवेलेबल इन दिस मीडियम किस किस्म की जॉब्स हैं रिसर्चर्स की जॉब है जो कि बंदे जो लोग हैं वो रिसर्च करते हैं कहानी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको फिर उसके नोट्स बनाते हैं लिखते हैं और उससे फिर आगे स्क्रिप्ट्स बनते हैं आपके पास कॉपी राइटर्स होते हैं जो कि आपको वो हेडलाइन न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको हम कहते हैं वो लिखते हैं आजकल आपने टिकर्स देखे होंगे उनको लिखने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं फिर पूरे पूरे जो ड्रामा के स्क्रिप्ट्स हैं टॉक शोज के स्क्रप्ट्स हैं ये सारे जो स्क्रीन प्लेज और स्क्रिप्ट हैं ये आ, कोई ना कोई लिख रहा होता है और उसके लिए राइटर्स चाहिए होते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि जब अवार्ड्स होते हैं फ़िल्म अवार्ड्स होते हैं लफ स्टाइल अवार्ड्स होते हैं उसमें स्क्रीन प्ले राइटर को भी एक कैटेगरी है पूरी जिसको अवार्ड दिया जाता है तो यानी कि देर इज़ अ रिकग्निशन के जो आपके लोग लिख रहे हैं इस मेन मीडिया के लिए वो बहुत इम्पॉटेंट है तो इसको हम दो कैटेगरीज़ में या तीन चार कैटेगरीज़ में हम आगे जा के भी बात करेंगे उसके बारे में बट दो मेन कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं वो लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए लिखते हैं और वो जो ख़बर के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए लिखते हैं और इसके बारे में हम आगे जा के ज़रा ज़्यादा बात करेंगे